अधीक्षक पन्नाराम मीणा व देवाराम चौधरी रेवदर के निर्देशानुसार थानाधिकारी दिलीप खदाव के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक सिरोही ओम प्रकाश के निर्देशानुसार जिले भर में हाल हुई नकबजनियों का खुलासा व वंचित अपराधियों की धरपकड़ हेतु एक विशेष टीम गठित की गई। रेवदर थानाधिकारी दिलीप खदाव टीम द्वारा डीसीआरबी में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के जगदीश कुमार 102 के तकनीकी सहयोग और स्वयं के साइबर विशेषज्ञता के आधार पर रेवदर और सिरोही में हुई विभिन्न वारदातों का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय नकबजनी गैंग के आला दर्जन 8 नकबजनों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें पूछताछ में सिरोही जिले के 3 दर्जन वारदात करना कबूल की। पुलिस थाना कालिंद्री के मेर मांडवाड़ा में जैन मंदिर सिरडोकी में 14 दिसंबर की रात्रि में प्रार्थी भीमाराम पुत्र दानाजी पुरोहित के घर में सोने चांदी के जेवरात व नकदी चोरी। वेलांगरी में 25 सितंबर को आशापुरी माताजी मंदिर के भंडारे से नकदी चोरी। दांतराई के धारण रोड पर स्थित रामदेव मोबाइल की दुकान व घर में चोरी। मालगांव मंदिर में छतर और मुकुट चोरी सहित अन्य 3 दर्जन वारदात करना कबूल किया है। इन अभियुक्त के कब्जे से धरपकड़ के दौरान 8 मोटरसाइकिल बरामद हुई, जो सिरोही जिले के विभिन्न स्थानों से चोरी की गई थी। ये गैंग कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर पिछले 1 वर्ष से लगातार चोरी, नकबजनी व लूट की वारदातों में शरीक रहा है। जिला सिरोही में ये चोरी और नकबजनी की वारदातें जो वर्ष 2017 में कुछ वारदातें 16 की भी हैं, उनमें जितने भी प्रकरण थे उसमें एक स्पेशल टीम सीओ रेवदर के नेतृत्व में थानाधिकारी रेवदर और उसके स्टाफ की नियुक्त की थी। विशेष रूप में इसमें अनादरा, कालिंद्री, बरलोट, सिरोही कोतवाली और जिले की अन्य वारदातों के साथ साथ न केवल सिरोही जिले की बल्कि इसमें जालौर जिले की, पाली जिले की और उदयपुर जिले की भी वारदातें इसमें इस गैंग में एक उदयपुर में सीरियस जो मर्डर था, ब्लाइंड मर्डर था, उसका अभियुक्त भी इसी गैंग के अंदर है, उसको भी इसमें पकड़ा है। हमारे चैनल ने जयपुर